मेरे पीछे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो ये टिप ट्रेलर्स हैं, मतलब ये टिपर नहीं है, यानी कि एक रिजिड ट्रक में फंसा हुआ चीज़ नहीं है कि जिसकी पीछे वाली बॉडी टिपर बॉडी और इसका इंजन जो है वो एक ही चैसी में बना हुआ है। ये प्राइम मूवर है, ये प्राइम मूवर मतलब घोड़ा आगे की तरफ अलग है और पीछे लोड ले जाने के लिए टिप ट्रेलर अलग है, मतलब पीछे वाली ट्रॉली अलग है। अब लोग ये ख़रीदने में भरोसा रखने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट इसका बढ़ रहा है। कारण ये कि ज़्यादा लोड लेके जा पाते हैं, कस्टमाइज बेहतर तरीके से हो पाते हैं, और जैसे कि लोड ले जाने का काम ट्रॉली का है तो ट्रॉली आप लोड ले जाने के लिए अपने हिसाब से बना सकते हो, और प्राइम मूवर जो है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपके किस तरह का एप्लीकेशन है, यानी कि 6 व्हीलर 10 व्हीलर और ब्रांड्स भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है किसी चीज़ का, वैसे वैसे डुप्लीकेसी आ जाती है, वैसे वैसे उस में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। तो मेरा जो नॉलेज है टिप ट्रेलर्स को लेकर वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक ट्रॉली होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए कि वो टिप ट्रेलर के अंदर हो, ताकि आप एक बेहतर टिप ट्रेलर खरीद सको और एक अच्छी उससे वैल्यू आउटपुट निकाल सको। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और चलो भाई ये वीडियो शुरू करते हैं जो कि होने वाला है इसकी ट्रॉली के बारे में। अच्छा, ये वाला जो टिप ट्रेलर है, ये वाला जो टिप ट्रेलर है और ये वाला पीछे जो टिप ट्रेलर है, इन ये जो तीनों टिप ट्रेलर है ये ब्लैक डायमंड मोटर्स की घर से आता है। और ब्लैक डायमंड मोटर्स इंडिया में जब से मेरी नॉलेज टिप ट्रेलर्स में आई है या मेरी नॉलेज आई है, तब से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं और बहुत मतलब काफ़ी लॉन्ग लेगेसी और हिस्ट्री इनका है, तो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर अब एक चीज़ मैं और नोट करा दूँ आपको कि ये वाला जो गाड़ी है इसमें प्राइम मूवर अलग है, ये वाला जो गाड़ी है इसमें प्राइम मूवर अलग है, उसमें प्राइम मूवर अलग है, मतलब एक में बेंज का प्राइम मूवर है, इसमें टाटा का प्राइम मूवर है, उसमें अशोक लेलैंड का प्राइम मूवर है। तो जनरली ये जो टिप ट्रेलर्स होते हैं ये आप किसी भी प्राइम मूवर में लगा के चला लो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आपके पास मतलब एक मल्टीपल फ्लीट है, अलग अलग OEMs का आपने प्राइम मूवर्स रखे हुए हैं, मतलब घोड़े रखे हुए हैं अलग अलग OEMs के, तो आप लगा के यूज़ कर सकते हो वो चीज़ें। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि ये पर्टिकुलरली जो आपका ये टिप ट्रेलर है फिलहाल ये हिड्रोमास का हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हाइवा कंपनी का भी जो है इजीली अवेलेबल होता है। तो जैसे टायर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम आपको ऑप्शनल होता है कि आप जिस कंपनी का लगाना चाहो उस कंपनी का, आपको जिसमें बेहतर लग रहा है, आपको जिससे सर्विस अच्छी लगती है कि मिल जाए, क्योंकि ये जनरली ट्रॉली बनाने वालों का काम नहीं है, क्योंकि ट्रॉली बनाने वाले जनरली स्टील पे खेलते हैं, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से तो यही होता है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम आपके ऊपर चॉइस में होता है कि आपको कौन सी कंपनी का लेना है, हाइवा या हीवा कंपनी का लेना है या फिर आपको हिड्रोमास का लेना है, जो भी कंपनी आपको बेहतर लगती है आप उसका ले सकते हो। तो बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं है उसके अंदर किसी भी का भी, जैसा रिक्वायरमेंट कस्टमर का वैसे ही देते हैं लोग। बाग इसमें लगभग टैंक जो होता है इस इन ट्रिप ट्रेलर्स के लिए वो लगभग 125 लीटर का होता है, 125 लीटर के आसपास का होता है, और साल में एक बार उसमें हाइड्रोलिक ऑयल आपको जो है वो चेंज करना होता है। बट मेन जो काम आता है वो आपका काम आता है यहाँ से। तो जनरली ये जो बीम होता है, जिस बीम पर ये पूरी की पूरी आपकी ट्रॉली रखी हुई है, जो बीम है वो आपका सिंगल मेंबर में आता है, मतलब ये सिंगल पीस बीम आता है। ये जो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक आप लॉन्ग मेंबर देख रहे हो, ये बीम देख रहे हो, ये सिंगल पीस में है, इसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह से उन्होंने ये जॉइंट नहीं लगाया हुआ है, ये सिंगल पीस में आता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर आप देखोगे लगाया हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी छुआ था इसको, तो छूने के बाद में जो ऐसे आता है, तो जनरली जो हमारे ट्रिप ट्रेलर्स होते हैं उनमें ये सरफेस फिनिशिंग उतनी बढ़िया नहीं होती है, बट क्योंकि ये ब्लैक डायमंड मोटर्स की तरफ से आता है तो ये लोग पता नहीं कैसे इसको पेंट करते हैं, बहुत ही कमाल तरीके से इसको पेंट किया गया है, तो उसमें वो पेंट सेट भी बहुत अच्छे से हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जनरली लोग अलग तरह से पेंट कर देते हैं, बट इनका जो पेंट क्वालिटी है वो मुझे बहुत गजब का फील हो रहा है। तो ये भी आप जब भी कोई ट्रिप ट्रेलर ले तो ये भी आप अगर चेक कर ले कि उसका सरफेस का कैसे फील हो रहा है, पेंट वगैरह कैसे हो रहा है। प्लस मैंने जैसे बताया लॉन्ग मेंबर जो है वो सिंगल सिंगल पीस में है, तो वो मल्टीपल पीसेस नहीं है। प्लस अगर आप यहाँ देखोगे इसके लैंडिंग गियर्स को, जैसे अगर आपको प्राइम मूवर निकालना है तो जनरली लैंडिंग गियर पे ही आप पीछे ट्रॉली को छोड़ के जाते हो, तो ये लैंडिंग गियर जनरली लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार कितनी बार हमें लगाना है क्या करना है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको यॉर्क के लैंडिंग गियर्स मिलेंगे, इवन अगर आप पूरा इस बीम के नीचे का पार्ट देखोगे तो वो पूरा का पूरा आपको यॉर्क का दिखेगा। जैसे ये वाला जो एक्सल है ये लिफ्ट एक्सल है और ये भी यॉर्क का आता है, ये 13 टन का एक्सल है, और देखो 13 टन के एक्सल के अंदर भी आप देखो तो अंदर की तरफ ये पट्टा लगाया हुआ है,
हुआ है। अब पट्टे का काम क्या है, जैसे मान लो अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में चले जाती है तो ये उतने गहरे गड्ढे में नहीं जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अपना अलाइनमेंट लूज़ नहीं करेगा या टायर रगड़ा नहीं खाएगा, जिससे कि टायर लाइफ आपकी सेव होती है। दूसरी चीज़ और कि ये आपको एयर सस्पेंशन बलून लगा हुआ है, तो इसमें ये वाला जो है वो एयर सस्पेंडेड एक्सल है, जिस कारण से ये बेहतर और ज़्यादा लोड ले पाता है। तो इस बलून को भी बचाना है, तो इस बलून को बचाने के लिए यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि इस बलून की लाइफ को बचाने में, और बलून जो है वो ज़्यादा लंबा चल पाता है। पीछे की तरफ आपको लिफ्टिंग बलून्स भी दिए गए हैं, जिससे कि ये एक्सल जो है वो लिफ्ट होता है, काफ़ी बढ़िया है। और वहाँ पे आपको ब्रेक चैम्बर्स भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में जो पीछे के सारे एक्सल्स हैं, क्योंकि अब नॉर्म्स भी ऐसे आ गए हैं भारत में कि सारे ब्रेक्स अब ABS ब्रेक्स होने चाहिए, तो ये सारे एक्सल्स में आपको ABS ब्रेक्स ही मिलेंगे, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाले ब्रेक्स मिलेंगे, जिस कारण से आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होता है और ब्रेक सेफ प्रूफ बनते हैं, फेल प्रूफ बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपको अंदर की तरफ एयर प्रेशर टैंक्स देखने को मिलेंगे, एक यहाँ भी एयर प्रेशर टैंक है, एक यहाँ भी एयर प्रेशर टैंक है, और एक पीछे की तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एयर प्रेशर टैंक है। फ़ायदा क्या होता है कि इंडिविजुअल ब्रेक के लिए अपना अपना एयर चैम्बर है, जिस कारण से ब्रेक की इफिशियंसी बेहतर होती है और प्राइम मूवर पे किसी भी तरह का या घोड़े पे किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता। इवन इन बलून्स के लिए भी जो हवा चाहिए वो सीधी हवा आपको इस एयर प्रेशर टैंक से मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे कि सेफ्टी बढ़ती है। अच्छा, ये भी यॉर्क का एक्सल है, साल में एक बार आप अपग्रीस करा लो तो इसकी भी रिलायबिलिटी बढ़िया होती है। और यॉर्क के एक्सल्स जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, ये 14 टन का एक्सल है, ये 14 टन का एक्सल है। बट ये तो बात हो गई यॉर्क और यॉर्क के एक्सल की, या उस लिफ्ट एक्सल की, या फिर लैंडिंग गियर की, पर जो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल है और जो मतलब मैंने अब तक किसी और ट्रिप ट्रेलर में देखी नहीं है, या ये ब्लैक डायमंड मोटर्स वाले ट्रिप ट्रेलर में ही देखा है, वो ये कि ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। जी हाँ, ये जो पूरा का पूरा आप सिस्टम देख रहे हो, ये कास्ट आयरन से बना हुआ सस्पेंशन है, ये सिंगल पीस में है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये सिंगल पीस में, इसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ ब्लैक डायमंड मोटर्स वाले ही देते हैं। तो ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है और ये आपका पूरा हैंगिंग मैकेनिज्म है। और एक चीज़ और कि ये हमारे जो टायर्स होते हैं, इनकी जो हाइट होती है, ये हाइट आपके प्राइम मूवर के हिसाब से होनी चाहिए, प्राइम मूवर के जो आपके टायर्स होते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, टायर की लाइफ बहुत बेहतर होती है। आपको तो पता ही है फ्यूल के बाद में टायर्स का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है किसी भी कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए, तो टायर्स की लाइफ बहुत मैटर करती है। तो टायर्स के अलाइनमेंट सही रहे उसके लिए इनका R&D या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत बेहतर है। सिंगल लाइन में वो दिया हुआ है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब इम्प्रेस करती है चीज़, तो ये बहुत बेहतर है। यहाँ की तरफ लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए। अब आप एक चीज़ इसमें देखो, ये तो बात इन चीज़ों की हो गई, छोटी मोटी चीज़ें, कि ये फलग्रम देख रहे हो अब यहाँ पे। तो अब तक जितने ट्रेलर मैंने देखे ना, उसमें क्या करते हैं, बीम में यहाँ पे होल करेंगे, उसके अंदर एक बुश डालेंगे, बैरिंग डालेंगे और यहीं पे फलग्रम लगा देंगे। तो वो मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक पैसा बचाने के लिए या क्या बचाने के लिए। अगर आप यहाँ इनका देखोगे, ब्लैक डायमंड मोटर्स की जो ये टिप ट्रेलर है, इसमें इन्होंने अलग से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये लगभग 20-22 mm का यहाँ पे अलग से इसके ऊपर बनाया हुआ है, पूरे लॉन्ग मेंबर के ऊपर बनाया हुआ है, और इसके ऊपर ही इनका पूरा फलग्रम सेट करता है। अब यहाँ भी एक बुश है, यहाँ भी एक बुश है, और ये दोनों बुशों के ऊपर ट्रिप ट्रेलर होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं वो आपको समझाता हूँ। अब मान लो आप इसको ट्रिप कर रहे हो, गीली फ्लाई ऐश है, वेट फ्लाई ऐश है, या कुछ भी मटेरियल जो वेट है और वो नहीं टिप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब आप टिप करते हो और मटेरियल आगे की तरफ होता है, तो जनरली क्या होता है, टॉपल हो जाती है गाड़ी, गाड़ी आगे की तरफ जब आपका ये पंप रखा रहेगा तो टिपिंग एंगल बिगड़ेगा और गाड़ी आपकी पलट जाएगी। जनरली 5 डिग्री के बाद में गाड़ी पलट जाती है, बट ये वाला जो है तो इसमें गाड़ी स्टेबल रहने वाली है 110%, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही वैसे बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि लोड जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये आपका हैवी हो गया है और इस पे वज़न नहीं आ रहा है, मतलब इस पे पूरा का पूरा वज़न नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत इंप्रेस करती है। तो ये फलक्रम जो है इन्होंने बहुत ही गज़ब बनाया हुआ है। अच्छा, ये डोर्स इनके आते हैं, तो एक ट्रॉली में यहाँ देखा था मैंने, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें अलग तरह का डोर था, और ये आपका ऑटो लॉक होता है, जैसे ये मतलब ये अपने मैनुअल वाला है, इसको निकाल दिया उसके बाद में ये मतलब अपने आप ही ये खुल जाएगा, जैसे ही आप इसको टिप करोगे ये लूज़ होगा और लूज़ होकर ये खुल जाएगा, आपका माल टिप हो जाएगा, जैसे ही आप इसको वापस रखोगे ये अपने आप वहाँ पे लॉक हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये नॉर्म्स में भी आता है और ये पीछे की तरफ काफ़ी हैवी बम्पर दिया हुआ है, प्रोटेक्शन भी इससे रहता है, तो वो एक बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, यहाँ लाइट्स वगैरह भी सारे लगे हुए हैं, इनका फंक्शन प्राइम मूवर से ही आता है, मतलब घोड़े से आता है, वो वहाँ से सारी लाइट्स वगैरह काम करते हैं, सेफ्टी में डेफिनेटली जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी सेफ्टी तो ये फलक्रम में ही है कि ये इसके ऊपर दिया हुआ है, ये मोटे मोटे यहाँ पे इसको पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है यहाँ पे, और इससे कि लोड आपका पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ें जो है पर्सनल लेवल पे बहुत इंप्रेस करती है। अच्छा, मैं आपको कास्ट आयरन के बारे में बता रहा था, तो कास्ट आयरन सस्पेंशन में एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है वो है कि देखो, ये जो पूरी ट्रॉली है
यहाँ से लेके वहाँ तक, इवन अगर ये लिफ्ट एक्सल को भी हम लिफ्ट कर देंगे तो आप देखोगे सारा जो वेट है वो यहीं आ रहा है, सारा वो वेट यहीं आ रहा है, फिर यहाँ से दोनों सस्पेंशन से इन टायर्स पे जा रहा है, मतलब दोनों एक्सल्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भाई वो कितना मजबूत पार्ट है, मतलब वो कितना अच्छा पार्ट है कि वो अगर आपका कास्ट स्टायरिंग का है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मार्केट में लोग नहीं देते हैं और ये चीज़ तो मुझे पता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर रीइन्फोर्समेंट्स होते हैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर आप पिलर देख रहे हो इस पिलर के अंदर रीइन्फोर्समेंट होते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अब स्ट्रेंथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस एक प्लेट के अंदर दूसरी प्लेट के अंदर तीसरी प्लेट को मैं वेल्ड कर दूंगा तो वहाँ से बनेगी, ये जिस तरह का स्टील यूज़ किया जाता है, मटेरियल यूज़ किया जाता है उस पर डिपेंड होता है। मतलब एक आपका MS का मटेरियल होता है, उसके बाद में एक आपका उसके ऊपर का मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर का मटेरियल होता है। तो ये जनरली आपको MS का मटेरियल नहीं है, उससे ऊपर वाला मटेरियल यूज़ करते हैं, जिस कारण से मिनिमम ये जो आप मेरे साथ जिसमें मैंने हाथ लगा रखा है, ये आप अगर स्ट्रिप ट्रेलर की बात करोगे तो 10 साल का इसका शेल्फ लाइफ है, 10 साल इसको कुछ नहीं बिगड़ना है। अब कस्टमर्स को एक चीज़ और समझनी चाहिए, जब भी वो ट्रिप ट्रेलर जैसी महंगी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस महंगी इन्वेस्टमेंट में जनरली उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक दिन या दो दिन का काम नहीं है, वो काम ऐसा है कि जैसे ये वाली अगर मान लो मैंने ट्रॉली ले ली तो ये वाली ट्रॉली मुझे एक दिन दो दिन में मैं इसका वैल्यू इकोनॉमिक्स नहीं निकाल पाऊंगा, या वो दो दिन में टायर नहीं खा जाएगी, 6 महीने में 8 महीने में 1 साल में मुझे पता चलेगा कि यार ये वाली ट्रॉली या ये वाला डिज़ाइन तो ज़्यादा टायर नहीं खा रहा है, फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता लगेगा कि यार 4 साल में तो ये पूरी बॉडी जो है वो ख़त्म नहीं हो गई है डाल डाल के, तो मुझे अब इसको दोबारा से तो नहीं बनवाना पड़ जाएगा या उसमें बहुत सारे रिपेयर्स तो नहीं करवाने पड़ जाएंगे। और जब मैं इस गाड़ी को बेचने जाऊँगा, मतलब ट्रॉली ट्रिप ट्रेलर को बेचने जाऊँगा, तो क्या मुझे उतना पैसा मिलेगा वापस, रीसेल वैल्यू क्या उतनी मिलेगी, क्या मुझे उतना ज़्यादा मिलेगा? तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शायद हाई हो सकती है कुछ अच्छे ट्रेलर्स की, जैसे कि मान लो ये वाला ट्रिप ट्रेलर है तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शायद आपको नॉर्मल मार्केट से थोड़ी बहुत 1-2% ज़्यादा देनी पड़ जाए, पर वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा वैल्यू देके जाएगी, क्योंकि एक तो रिलायबल उतना ज़्यादा रहता है, स्ट्रेंथ उसमें उतनी ज़्यादा रहती है, 10 साल की शेल्फ लाइफ रहती है। अच्छा फाइनेंसर्स का भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, जैसे ब्लैक डायमंड मोटर्स है तो ये आपको मतलब तुरंत ही यहाँ पे फाइनेंस मिल जाएगा आपको। आप किसी नॉर्मल बॉडी बिल्डर के पास में जाइए, कहीं और से ट्रिप ट्रेलर बिल्डर के पास में जाइए, शायद वहाँ फाइनेंसर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार कितना एसेट क्रिएट हो रहा है। ये तो क्लियर है ना कि इसमें एसेट कितना क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में चली नहीं है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, तो वो चीज़ें हैं। मतलब मेरा मन है कि मैं आपको कभी किसी ट्रिप ट्रेलर की जो है वो उसमें जाके दिखाऊं, फैक्ट्री में जाके दिखाऊं कि यार ट्रिप ट्रेलर्स बनते कैसे हैं और क्या सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो हमें हेल्प होगी। अच्छा फिफ्थ व्हील कपलिंग के बारे में बात करें तो वो 2 इंच वाला ही रहता है, ये स्टैंडर्ड रहता है इंडिया में, वो चाहे जोस्ट का हो या किसी और कंपनी का हो, उसमें आपके लगभग सारे ट्रिप ट्रेलर्स जो है वो आ जाते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ये एक और ट्रिप ट्रेलर दिखेगा, मैं आपको जो गेट वाली बात बता रहा था वो मैंने यहाँ देखा था, तो ये डबल गेट फंक्शन में आता है। तो ये डबल गेट फंक्शन में कैसे आता है कि यहाँ पे आपको ये अगर मैनुअली अनलोड करना है तो आप इसमें से ये गेट को आप खोल दीजिए तो ये गेट ऐसे खुल जाएगा और फिर आप इसको मैनुअली अनलोड करवा सकते हैं, और जब यहाँ से ये क्लोज है तो ये आपका ऑटोमेटिक हिंजेस जैसे उस गेम में थे वैसे ही काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें थी इन ट्रिप ट्रेलर्स के बारे में, गाड़ियाँ मिल गई तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको कई सारी चीज़ें बता पाया हूँ, कुछ जो नहीं बता पाया हूँ वो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। और हाँ मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं कभी जाके फैक्ट्री में जाके बताऊं कि यार बनती कैसे है, मैं भी खुद जाके देखूं, तो वो चीज़ें हम भविष्य में कोशिश करेंगे अगर हमें कोई भी चांस मिल गया तो। नंबर वगैरह तो इस पे था ब्लैक डायमंड का, मैं आपको स्क्रीन में फ्लैश भी कर देता हूँ, टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर इंक्वायरी वगैरह आकर अभी ट्रिप ट्रेलर्स के लिए करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो में मिस कर गया हूँ या मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछिए या मुझे बताइए कि रमन आपने ये चाहिए चीज़ें नहीं बताई है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहे हैं मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।